हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले कटहल यानी जैक फ्रूट की सब्जी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कटहल को अच्छे से छील लिया है। इसे छीलते वक्त आप ध्यान रखें कि आप अपने हाथों में सरसों का तेल लगा के इसे छीलें। मैंने यहाँ पर कटहल के छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में पानी बॉयल कर लेंगे और उसमें इन पीसेस को डाल देंगे और करीबन 5 मिनट तक बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे करीबन 1 छोटा चम्मच और इसे 5 मिनट तक अच्छे से बॉयल होने देंगे। हम इसे बॉयल इसलिए कर रहे हैं ताकि कटहल में अगर हल्का सा भी कसापन है वो निकल जाए। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे। आप चाहें तो कढ़ाई की जगह प्रेशर कुकर का यूज़ करें और उसमें करीबन 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। यहाँ पर प्रेशर कुकर इसलिए यूज़ करने के लिए कहा क्योंकि कटहल को कई बार गलने में बहुत वक्त लगता है। अब हम इसमें करीबन 1 छोटा चम्मच पचफोरन का डाल देंगे और जो कटहल हमने बॉयल किया था वो इसमें डाल देंगे। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और जो मेरा फ्लेम है इस वक्त वो मीडियम पर है। हम यहाँ पर कटहल को बस हल्का सा तलेंगे। हमें इसे ओवरकुक नहीं करना है। मैं इसमें करीबन 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारा जो कटहल है वो अच्छे से सॉटे हो गया है। अब हम उसी कढ़ाई में करीबन 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे। आप यहाँ पर कढ़ाई की जगह पर प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं। हमारा तेल जो है अब अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें करीबन 4 से 5 छोटे चम्मच प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 3 छोटा चम्मच, गोलकी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा कप पानी ऐड करेंगे। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। यहाँ पर मैंने 5 लाल टमाटर ले लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के हैं। हम इसे रफली चॉप कर लेंगे और हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून भी गया है। अब हम टमाटर को इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें करीबन 1 कप पानी डाल देंगे। इसे ढक करके 5 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से गल गया है।
अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे मसालों ने तेल छोड़ दिया है, यानी कि अभी अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने करीबन 3 बड़े चम्मच दही ऐड किए हैं। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। जब हमारा दही तेल छोड़ देगा तब हम इसे दोबारा भूनेंगे। और जो हमने कटहल सौटे किए थे वो हम इसमें अब ऐड कर देंगे। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे 20 से 25 मिनट तक 1 कप पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो इसे 2 सीटी तक पकने दें। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कटहल है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। हम इसे धनिया पत्ती से अच्छे से गार्निश कर लेंगे और हमारा जो कटहल है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।